मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में प्रवेश के नाम पर 25,000 की रकम मांगी जा रही है। कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम छात्रों का शोषण किया जा रहा है, बावजूद उसके कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से अपना पल्ला झाड़ रही है। शोषण से नाराज छात्रों ने कॉलेज में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर पर खुलेआम घूसखोरी के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला मुख्यालय के आईटीआई कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जिस पर कॉलेज में प्रवेश लेने गए प्रदीप अनुरागी ने कर्मचारियों द्वारा 25,000 रुपये मांगे जाने के आरोप लगाए हैं। प्रदीप का आरोप है कि आईटीआई की प्रथम सूची में उसका नाम आने के बावजूद भी कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर तैनाती कर्मचारी द्वारा 25,000 की घूस मांगी गई है। प्रथम सूची में नाम आने के बावजूद भी कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा लगातार पैसों की डिमांड की जा रही है। घूसखोरी से जुड़ा यह मामला अब आईटीआई प्रिंसिपल के चौखट तक जा पहुंचा है, जिस पर जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। जीवन 24 के लिए मोहब्बत से ऋतुराज रजावत की रिपोर्ट। हमारा एक कार्यकर्ता था प्रदीप अनुरागी, तो उसका आईटीआई में फर्स्ट लिस्ट में नाम आ भी गया था, लेकिन यहाँ के टीचरों द्वारा, यहाँ के बाबू जी द्वारा यहाँ पर रिश्वत मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपका एडमिशन तभी होगा जब यहाँ पे हमें 25,000 रुपये दिए जाएंगे। एडमिशन बिना रिश्वत के होता है, लेकिन यहाँ के आईटीआई के जो स्टाफ है इतना घूसखोरी मचाए हुए है कि यहाँ पे कोई एडमिशन हो ही नहीं रहा है बिना रिश्वत के। जब हमारे कार्यकर्ता का पहली लिस्ट में नाम आ गया है तो फिर किस बात की रिश्वत ली जा रही है? लगता क्या है कि इनको एडमिशन तो करना ही पड़ेगा। और दरअसल क्या है कि जो रिश्वत की वीडियो बनाई गई थी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो वो उस वीडियो भी मोबाइल छीन करके यहाँ के टीचर ने, और वो उस मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दी गई है। अच्छा, मोबाइल से भी मोबाइल छीना गया, वीडियो डिलीट कर दी गई है। तो सर, मैं मेरा फर्स्ट लिस्ट में आई टी में नाम आ गया, तो मैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आया, तो वो कह रहे थे कि आपको 20-25,000 रुपये घूस लगेगी। कौन कह रहा था आपसे? सर यहाँ पे उसका नाम मुझे पता नहीं है सर, ये जहाँ जो कंप्यूटर चलाता है वही बैठता है, अगर हमें एडमिशन करते हैं और हमें ही एडमिशन करना है। किस बात की आपसे 20-25,000 रुपये मांगे? इसलिए होगा क्योंकि हम लेट हो चुके थे, इसलिए वो कह रहे थे कि सरकारी काम है सर, कंप्यूटर द्वारा होता है और आपको 20-25,000 रुपये देंगे, आपको लेन देन सब हो जाता है। क्या तो आपको ये और कह रहे थे कि आपने अपने हाथों से ही अपने पैर काट लिए, वो सर मुझसे ही कह रहे थे, और 20-25,000 रुपये मंगा रहे थे, 1,000 रुपये होता सर एडमिशन। फिर किस बात की पैसे सर लिस्ट में जब मेरा नाम आ चुका सर, किसके पैसे सर? जब लिस्ट में नाम आ गया तो किसके पैसे सर? आपने देने से मना किया तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा सीधे कहा कि एडमिशन नहीं होगा, यहाँ घूस चल रही है। फिर यहाँ पर इस संबंध में मुझे ये कह रहा है कि बच्चों से जो भी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई है उसके सम्बन्ध जांच कमेटी गठित की जाएगी और आरोप पत्र तैयार करके उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, जिससे विभागीय कार्रवाई हो सके और जो कठोर जो लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, चूंकि ज्वाइनिंग अभी 1 जुलाई को ही हुआ है यहाँ पर बुंदेलखंड में मोहब्बत डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी मुझे नहीं प्रकरण, जैसे जैसे मेरे सामने प्रकरण आते जाएंगे उन पर लिखित शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।